के बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक ने कहा, दो दिन का समय विद्युत विभाग के अधिकारियों को दे रहा हूं, जल्द मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती से लोगों सहित किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं, वहीं गर्मी से आमजन बेहाल हो रहे हैं। दो दिन में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती बंद नहीं की गई तो पहले की तरह निमराना औद्योगिक क्षेत्र की बिजली जैसे मैंने खुद जाकर बंद करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में दी थी, वैसे ही फिर से करना पड़ेगा, इसलिए इनको दो दिन का समय दिया जा रहा है। स्टूडेंट के पास करके 7 बजे से हो जाती है, जब खाना खाने का समय होता है उसी टाइम बिजली कट जाती है। स्टूडेंट के पढ़ने का समय होता है उस टाइम बिजली नहीं रहती है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के वहाँ समय भी लिखाया है मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मैंने बताया है कि भाई इस बिजली कटौती से जबरदस्त परेशानी खड़ी हो गई है, लोगों में भयंकर आक्रोश है, आप इसको ठीक करें। इसलिए मैं तो 2 दिन और इंतजार करूंगा, मुख्यमंत्री जी से समय मिल जाएगा कल तक तो उनसे मिलूंगा, 2 दिन और इंतजार करेंगे। अगर 2 दिन ये कटौती बंद नहीं हुई तो जैसे पहले नीमराणा की फैक्ट्रियों की बिजली काट के गांव में दी गई, उसी प्रकार से मजबूरन हमें आगे बढ़ के इन फैक्ट्रियों की बिजली काटनी पड़ेगी।